पोलियो के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, जो गोश्ते को सही और दानी को गलत मानने वाले लोग हैं, वो हम जैसे तमाम लोगों को आज देशद्रोही कह रहे हैं।
केस करोगे, मुकदमा करोगे, जेल में डालोगे। अरे तुम्हारे पुरखे जिनके साथ चाय पे चर्चा किए थे ना, उनका लिखा हुआ इतिहास उठा करके पढ़ लो। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो सस्ता फोटोकॉपी वाले इन अंग्रेजों से डरेंगे क्या? हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, गोरों से लड़ाई लड़ी थी, बोलिए हम चोरों से लड़ाई लड़ेंगे। और वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो नहीं लड़ी गई। बांस ने एक बात लिखा है, बांस एक बड़े मशहूर क्रांतिकारी कवि हुए पंजाब के, उन्होंने लिखा हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे उदास मौसम के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे कि हम अब तक क्यों नहीं लड़े, हम तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी रहेगी, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लोगों को लगता है कि सीए का मसला है, महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, सीए पे गोल गोल कर देंगे जिलेबी की तरह, उसके बाद लोग वापस से अपने अपने घर को चले जाएंगे। याद रखिएगा, लक्ष्मी बाई जब अपना राज बनाने बचाने के लिए एक बार घोड़े पर सवार हुई तो वो आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गई, और फिर एक लक्ष्मी बाई नहीं, इस देश में हजारों लाखों लक्ष्मी बाई बनकर के तैयार हो गई। जो महिलाएं अपने घर के दहलीज को पार किया है, पौने आठ बजने वाला है ना, पौने आठ बजे घर से निकल करके तकरीर सुनने के लिए आई है, ये दहलीज को हमने बड़े भारी कदमों से पार किया है, और एक बार जब कदम उठाया है तो अब कदम वापस नहीं करने वाले हैं। इस देश को बताना है कि अगर हम खाना बना सकते हैं तो देश भी बचा सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर चला सकते हैं तो देश भी बचा सकते हैं, अगर हम पंचर लगा सकते हैं तो देश को जो आपने पंचर किया है इस देश को हम बचा सकते हैं, अगर हम कालीन बुन सकते हैं, अगर हम मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला सकते हैं, जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देकर के इस देश को भी बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं और इस देश में अशफाकउल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार हैं, आप अगर जनरल डायर बनने के लिए तैयार हैं तो शाहीन बाग भी जालियान वाला बाग बनने के लिए तैयार है। इस बात को याद रखिएगा कि आप अगर अंग्रेजों की चाल चलेंगे तो हम भी क्रांति की राह पर आगे बढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ये आजादी हमको भीख में नहीं मिली है, हमारे पुरुषों ने इसके लिए जान गंवाई है। ये आजादी अगर आप छीनने की कोशिश करेंगे, ये संविधान की ताकत को यदि आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो हम आजादी के नारे को बुलंद करके इस देश को बचाने का काम करेंगे। याद रखिएगा कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, आपने टीवी को खरीदा है आपके पास, और जिनके जीभ से कुर्सी पे बैठने के लिए लार टपक रहा था वो गिद्ध की तरह इंसानों की लाश के ऊपर मंडरा रहे थे, उन नेताओं ने इस खूबसूरत देश को अपनी कुर्सी के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए बांटने का काम किया। ये देश एक बार बटा है, इस देश को हम दोबारा बटने नहीं देंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि इस देश के लोगों ने इस देश में गांधी को चुना है, और गांधी की ताकत देख लीजिए कि गोडसे को मानने वाले को अपने मेहमान को गोडसे से नहीं गांधी से ले जाकर के मिलवाना पड़ता है। ट्रंप गया था ना गांधी जी से मिलने के लिए, गोडसे से ले जाके कहा नहीं मिलवाए। ये विचार की ताकत होती है,
इस विचार की ताकत को हमको समझना चाहिए कि जब देश में बंटवारे की बात हुई और दंगा शुरू हुआ तो गांधी ईस्ट इंडिया चले गए। अकेला वो इंसान उपवास करके भूख हड़ताल करके उन दंगों को रोक दिया नवाखाली में जाकर के। एक तरफ वेस्ट इंडिया में पश्चिमी भारत में माउंटबेटन की पूरी फौज थी, वो फौज दंगे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अकेला गांधी एक डंडा लेकर आधा धोती पहनकर आधा धोती लपेटकर ये गाकर कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, उन दंगों को रोक दिया। और आप ये देखिए कि आज भी जो ईस्ट भारत है, जो पूर्वी भारत है, उसके बॉर्डर पे आपको इतनी दुश्मनी नहीं देखने को मिलेगी जितना आपको पश्चिमी भारत के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। आप देख लीजिए कि आपको अगर नेपाल जाना हो, भूटान जाना हो, कल तक बांग्लादेश जाना हो तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आप पश्चिमी भारत के बॉर्डर को पार नहीं कर सकते हैं। ये ताकत होती है कि नफरत हमेशा समाज को जलाता है, मोहब्बत हमेशा समाज को आगे लेकर के जाता है। इसीलिए हमको नफरत के खिलाफ, नफरत से नहीं अपने मोहब्बत से लड़ने की जरूरत है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये है कि हमारे बच्चों के हाथ में ये पत्थर थमा देना चाहते हैं, रॉड थमा देना चाहते हैं, ये बंदूक थमा देना चाहते हैं और बड़ी चालाकी से अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। नेताजी का बेटा नेताजी बनेंगे, मंत्री जी का बेटा मंत्री जी बनेंगे, लेकिन जूता सिलने वाले बेटे को और इस देश में मजदूरी करने वाले के बाल बच्चों को, इस देश के जो गरीब लोग हैं उनको आपस में ला करके इधर से या उधर से ये लोगों को दंगाई बनाना चाहते हैं। इस साजिश को हमको समझना होगा, हमको समझना होगा कि कितनी चालाकी से हमारे हक से हमको अलग कर दिया जाता है। हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए हम सवाल न पूछ सके इसलिए हमको गुमराह कर दिया जाता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ जब देश के किसान मर रहे हो और देश के जवान सीमाओं पे शहीद हो रहे हो, जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो ये लाजिम है कि जिसने बेचा अपना ईमान वो टीवी में बैठ करके करेगा हिंदू और मुसलमान। और इसी हिंदू और मुसलमान की बहस को आगे बढ़ाने के लिए ये एनपीआर एनआरसी लाया गया है और ये सीएए लाया गया है। सीएए एनआरसी और एनपीआर हिंदुओं को कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए लाया गया है और मुसलमानों को कह रहे हैं कि नहीं ये आपके लिए नहीं लाया गया है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये उनके लिए लाया गया है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार नागरिक को चुनेगी, नागरिक सरकार चुनते हैं ना, ये सरकार नागरिकों को चुनना चाहती है। और किनको चुनेंगे? ये उन्हीं को चुनेंगे ना जो यस बॉस करते हो, जो सोचते हो, उनको तो नहीं चुनेंगे ये, क्योंकि जो सोचेंगे वो सवाल करेंगे और इनको सवाल पूछना पसंद नहीं है। जो इस देश में सवाल पूछने वाले लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। डॉक्टर कफील से लेकर के तमाम लोगों को आज जेलों में बंद करके रख दिया गया है। जो लोग सच बोलते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके, और बड़ों को तो छोड़ दीजिए, ये आजकल बच्चों के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा करने लगे हैं। एक जमाना था कि लोग गाना गाते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। एक जमाना यह है कि इंसाफ की बात करने वाले बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। ऐसे हालात देख करके तो यही याद आता है, इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों के लिए चापलूसी की, वो आज उन लोगों से सबूत मांग रहे हैं जिनके पुरखों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। इसीलिए ये गंभीर लड़ाई है। इस गंभीर लड़ाई में हमको ये समझना पड़ेगा कि एनपीआर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं
बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों को परेशान करके उनसे उनकी संपत्ति छीनने का एक साजिश है। यह हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। हमको जोश से ज्यादा होश की जरूरत है। हमको इस बात को समझना है कि तमाम चीजें जब हमारे खिलाफ है तो अपने सब्र से ही हमको इस आंदोलन को जीतना पड़ेगा। अपनी शांति और एकता से ही हमको इस आंदोलन को जीतना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहता हूं, वो बार बार कोशिश करेंगे भड़काने का और उलझाने का। हमको ना भड़कना है, ना उलझना है, ना भटकना है। अपने मुद्दे पर टिके रहना है, अपने मुद्दे पर टिका करके बात करते रहना है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, हमको न चुप रहना है, न हिंसक होना है। इस बात को हमको याद रखना है, क्योंकि ये लड़ाई जब इस देश की एकता को बचाने की लड़ाई है तो इस लड़ाई को हमको इस रूप में लड़ना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, इस तरीके से हमको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर मिलकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी। यह बात मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। और इस एकता से ये लड़ाई हम जीतेंगे, संविधान भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे, और हमारा जो बच्चा है उस बच्चों के भविष्य को भी बचाएंगे, उस पीढ़ी को भी बचाएंगे। ये संकल्प आज हमको तमाम लोगों को लेने के लिए जरूरत है। तो आप सब लोग इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो याद रखिएगा, सरकार कहती है कि पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तो क्या, पूरा का पूरा आपको हटा करके दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बस एक चीज याद रखिएगा, हम लोग देश से नहीं, देश में जो लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। आपको आजादी पसंद है कि गुलामी? तो आप भी हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा, अरे हम क्या चाहते हैं।